Good morning, my dear students. Today, I am going to explain you the question answers and new words of your chapter, The Enormous Turnip. Let us begin with the chapter. New words. First, enormous. Very large in size. Size mein bahut bada. I have already explained you this in your chapter. Reading karte samay, jo aapko chapter explanation hua hai, usme samjhaya gaya hai. Abhi hum revise kar rahe hain. Sentence, I got an enormous sum of money from my father. I got an enormous sum of money from my father. मतलब मुझे अपने पापा से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे मिले. The second, turnip. A round root with white or cream flesh. Turnip हमें पता है कि it's a root, मतलब जड़. Ground के अंदर grow करता है. ये जड़ होती है. ठीक है, टर्निप इज अ रूट, इट इज अ वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल. तो ये ग्राउंड के अंदर ही ग्रो करती है. एंड किस कलर की होती है? वाइट या क्रीम कलर का फ्लैश होता है. कलर कौन सा होता है? कुछ कुछ अनियन सा कलर होता है, कुछ वाइट सा होता है. ठीक, शलजम कहते हैं इसको हिंदी में. तो सबने शलजम खाया हुआ है. सेंटेंस, टर्निप्स आर स्लाइटली बिटर टू ईट. टर्निप्स खाने में थोड़े से, स्लाइटली मतलब थोड़े से, बिटर मतलब कड़वा. तो टर्निप्स खाने में थोड़े से कड़वे होते हैं. ठीक, सेकेंड सेंटेंस, वी हैड टर्निप टुडे इन डिनर. आज हमने डिनर में टर्निप खाया था. ओल्ड मैन, ओल्ड मैन हमारे चैप्टर में एक कैरेक्टर है. एल्डरली मेल पर्सन, मैन है तो मेल होगा, मेल मतलब मैन है ना. हिंदी में पुरुष, महिला और पुरुष होते हैं तो मैन इज पुरुष, और उसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, मेल. एंड फीमेल, फीमेल इज फॉर गर्ल्स, स्त्रियां, एंड मेल इज फॉर मैन यानी पुरुष. ओके, एल्डरली मेल पर्सन मतलब जो उम्र में थोड़े बड़े होते हैं उनके लिए हमने ओल्ड मैन का वर्ड, ओल्ड मैन यूज किया है शब्द. एल्डरली मतलब उम्र में बड़े. एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा इसका? आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन व्हेन ही आस्क्ड मी फॉर फूड. मैंने उस ओल्ड मैन की हेल्प करी जब उन्होंने मुझसे फूड मांगा. मैंने उस वृद्ध आदमी की मदद करी जब उसने मुझसे खाना मांगा. ओके, ओल्ड वुमन, एल्डरली फीमेल पर्सन. जैसे मैन एल्डरली मेल पर्सन हुआ, वुमन, ओल्ड वुमन एल्डरली फीमेल पर्सन हुई. ठीक, एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड. मैंने उस वृद्ध महिला की मदद की रोड क्रॉस करने में. ऑलराइट, पुल्ड, टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. पुल्ड को डायरेक्टली अगर हम कहें हिंदी में, इसका मीनिंग होगा खींचना, अपनी तरफ खींचना. पुल द डोर, डोर को खींचकर ओपन करो. ओके, तो किसी एक डायरेक्शन में उसको मूव कराना, पुल का मतलब. एग्जाम्पल, He pulled an envelope from his pocket. उसने envelope को अपनी pocket से बाहर निकाला. किसी भी direction में move कराने को भी हम कहते हैं ना pull करना. Pull towards yourself मतलब अपनी तरफ खींचना. Pulled मतलब to move in a specific direction. किसी direction में उसको move कराना. ठीक है, He pulled an envelope from his pocket. उसने envelope को अपनी pocket से बाहर निकाला. Now, let us come to the question answers. Question first, what did the old man plant? Old man ने क्या plant किया था? Plant मतलब कौन सा पौधा लगाया था? The old man planted some turnip seeds. उसने कौन से seeds डाले थे? Turnip के seeds. The old man planted, old man ने plant किया था some turnip seeds, कुछ turnip seeds को. Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? Why was it difficult? वो ये क्यों difficult था for the old man के लिए to pull up? Pull का मतलब बताया ना, किसी एक direction move करना. Pull up मतलब ऊपर की तरफ खींचना. Pull up the turnip, turnip को ऊपर की तरफ खींचना. Question समझना बहुत ज़रूरी है. जब आप read करोगे और read करके अपने आप से उसका meaning निकालोगे तब मैं मानूंगी कि आपको इंग्लिश आ गई और वही करेक्ट वे है इंग्लिश पढ़ने का. क्वेश्चन पढ़ना और समझना.
क्योंकि हर बारी मैम या पेरेंट्स नहीं रहते ना समझाने के लिए, आपको खुद समझना पड़ेगा एग्जाम्स में। अभी मैं समझा दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ो, रीडिंग करते वक्त भी हमेशा ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक। वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, क्यों डिफिकल्ट था ओल्ड मैन के लिए टर्निप को पुल अप करना, टर्निप को अपनी तरफ ऊपर खींचना, क्यों डिफिकल्ट था बोलो? चैप्टर में पढ़ा ना क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि वो एक बड़ा टर्निप था, एनॉर्मस था, नॉर्मल से बड़ा था और उसकी रूट बड़ी हो गई थी, तो वो निकालने में परेशानी हो रही थी। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन, आंसर कैसे लिखेंगे? इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन, ये ओल्ड मैन के लिए डिफिकल्ट था क्या करना, टू पुल अप द टर्निप, टर्निप को पुल अप करना, एज इट वॉज इनॉर्मस, जैसे कि वो इनॉर्मस था, काफी बड़ा था। तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप एज इट वॉज इनॉर्मस, सिंस द टर्निप वॉज वेरी बिग एंड लार्ज, सो द ओल्ड मैन वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पुल अप द टर्निप। ओल्ड मैन को इसलिए डिफिकल्टी हुई क्योंकि वो बड़ा था और वो ग्राउंड से बाहर नहीं आ पा रहा था। क्वेश्चन थर्ड, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, हु कौन, हेल्प मतलब हेल्प किया, हिम मतलब उस ओल्ड मैन को, टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, उस टर्निप को बाहर खींचने में, तो उस टर्निप को बाहर खींचने में उस ओल्ड मैन की हेल्प किसने की, हु हेल्प्ड हिम, यस द ओल्ड वुमैन, द बॉय एंड द गर्ल, किसने किसने, वो ओल्ड वुमेन ने, उस बॉय ने और उस गर्ल ने मिलकर हेल्प करी ओल्ड मैन की, जिससे कि वो टर्निप बाहर खींचा जा सके, जिससे कि वो टर्निप को बाहर पुल अप कर सके, पुल अप मतलब बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना। ये सब याद होना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, आपने बार बार वीडियो सुनना है लेकिन इसको समझना है, जितनी बार नहीं समझ में आप उतनी बार समझो, और फिर भी नहीं आता है तो आप मुझसे पूछो, ठीक। द ओल्ड वुमैन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सबसे पहले आपको नाम लिख देने हैं, किसने किसने हेल्प करी, ओल्ड वुमैन ने, स्पेलिंग आपको आती है, द बॉय ने, स्पेलिंग इसकी भी आती है, एंड द गर्ल, बाकी क्वेश्चन से हम कुछ स्पेलिंग्स देख लेंगे, जैसे हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सी इजी ना। क्वेश्चन फोर्थ, हु एट द एनॉर्मस टर्निप, एट मतलब खाया था, पास्ट फॉर्म है ना, किसने खाया था वो एनॉर्मस टर्निप को, हु एट दैट एनॉर्मस टर्निप, वही लोग जिन्होंने उसे बाहर निकाला था, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द एनॉर्मस टर्निप, सिंपल, ओके। आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड समझ में आए। नेक्स्ट थिंग यू विल डू इज टू नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है।